भाई बर्फ से क्या डरना। स्कूल का दिन। बर्फ का दिन। तैयार है गंधर? तैयार रहना तो मेरे खून में है। ऐसे दिन कभी कभी ही आते हैं, लेकिन गंधर ऐसा बर्फ का दिन फिर कभी नहीं आएगा। चलो बैठ जाओ बच्चों। क्यों? टाइम हो गया स्कूल का। क्या कहा? ये तो गजब हो गया, पूरा प्लेनेट बर्फ से ढक गया है, पृथ्वी के स्कूल्स बंद, सिर्फ एक को छोड़कर, मेलोब्रुक। ऐसे मौसम में मेरे अंदर जोश भर जाता है और सीखने की लगन भी बढ़ जाती है, इसलिए मैंने पिताजी से फोन करवाया कि वो आज पाठशाला को खुला रखवाए। अभी कीड़ा। तो बच्चों कस कर बैठो, क्योंकि अगला स्टॉप है स्कूल का। और भूलना मत, हर कोई अपनी अपनी जगह पर ही बैठा रहेगा, क्योंकि हम सबको अपनी अपनी देखभाल खुद करनी है, खास कर तब जब रास्ता हो दिल की धड़कन बढ़ाने वालों। बाल बाल बच गए। फिर से मेरी आवाज आ रही है, एक शैतान बच्चे के चिल्लाने से हम लोग नीचे गिर गए। रेडियो पहले से ही खराब है। फिक्र मत करो, मैं अभी पिताजी को फोन करती हूँ। फोन ना रेडियो, ऐसा लगता है जैसे हम 10 साल पीछे चले गए हैं। यानी दुनिया खत्म हो गई है। बस बस अब शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। कक्षा अध्यक्ष होने के नाते अब मैं फैसले करूंगी। हमें सिर्फ एक बात का पता लगाना है, और वो ये है कि कौन है वो मुजरिम, कौन ऐसा पागल है जिसने बर्फ की सीधी ढलान बनाई, और वो भी सड़क के बीचों बीच। किसने नहीं बनाई? किसने बनाई वो सीधी ढलान? ठीक है वो मैं ही था, लेकिन मैं कुछ कहूँगा। अगर किक बटास्की ने कहा है कि वो सबको बचाएगा तो वो बचाएगा। बोलो कौन है मेरे साथ? सब तैयार हैं? कोई भी नहीं। मैं बर्फीली दुर्घटना तैयारी समिति की अध्यक्ष हूँ, और ऐसे हालातों का सामना करने की शिक्षा मैंने ली है। मेरा आदेश है कि हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमें मदद ना मिले, या जब तक हमारी कुल्फी ना जम जाए, क्या कहते हो? और मैं हूँ बचाओ टीम का चेयरमैन और प्रेसिडेंट, और मैं लीड करूँगा मेरी टीम को। ठीक है, ले जाओ, देखते हैं कहाँ तक जाओगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना? ठीक है। गंधर चल चले। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए। ठीक है। गंधर, कोई ताकतवर चीज ही हमें यहाँ से निकाल सकती है, हमें चाहिए क्रेन और ब्लेड। ओहो, यही रहना, मैं मोटी जंजीर लाता हूँ। अब चलो फूड एंड फिक्स। ऊपर जाने का एक ही रास्ता है गंधर, वही जो इस नक्शे में दिखाई देता है। मैं समझ गया कि तो देर किस बात की। उस
इससे कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, हम भूखे ही मरेंगे। खाने का हिसाब मैं रखूंगी, अपना अपना खाने का डिब्बा मुझे दे दो। कहाँ गया सारा खाना? अब तो मेरे गाने का मन हो रहा है। ला 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 ला। माफ करना। अब चल गंधर, हमारे पास समय नहीं है, थोड़ी तेजी दिखा। हम गटर में है। इस पाइप में से 3 दिन पुराना फ्रूट जूस बह रहा है, इसका मतलब हुआ द फूड एंड फिश। एकदम सही। वो देख गंधर, हम पहुंचने वाले हैं। बच गई घंटी। मेरा सर। कहा था ना कि तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं सही थी, तुम गलत थे हमेशा की तरह। तो अब क्या करने का इरादा है? यही करना था। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हमें कोई बर्फीला जानवर देख रहा है? हाँ लग रहा है, लेकिन क्यों? ये तो ऑस्कर है। भागो, भागो केक। बस हो गया केक, मैं और नहीं भाग सकता। तो फिर स्केट करते हैं। पता था हमारी कुल्फी जमने वाली है। गंधर शुरू हो जा। बीसुरे गाने का फायदा। सब के सब जानवर हो, सीट भी कोई खाने की चीज है। वैसे भी ये हमारी पाठशाला की संपत्ति है और इसे खाने से कोई ताकत नहीं मिलती। पर हम भूख से मर रहे हैं। ये कितना स्वादिष्ट है। वो देखो, कैंडल पुडिंग खा रही है। उन्हें हम नहीं बचा पाएंगे। बस में फंसे हुए बच्चों को बचाना ही होगा। केक मैं देख रहा हूँ, वही तुम देख रहे हो। हाँ, वो एक बर्फीला राक्षस है। मुझे पता था कि एक न एक दिन बर्फीला राक्षस मुझे खा जाएगा। मेरा सर बड़ा दर्द कर रहा है। वेट। हाँ मेरा दोस्तों, तुम्हारा अपना वेट। हमें तुम्हारा टो ट्रक चाहिए, हमारी बस बर्फ में फंस गई है। दे देता अगर वो मेरे पास होता, कोई उसे उठा कर लेके गया, मैंने वहाँ पर खड़ी की थी। नई योजना बनाते हैं, सबको बचाना है। ड्राइवर मिलो, माउथ, डिमिट्री, निक, जनरल मिथ और डेव। तुम कैंडल को भूल गए। क्या फर्क पड़ता है? अब इसे वहाँ तक कौन ले जाएगा? कुछ ऐसा जो बहुत ही दमदार होगा। लेकिन वो दमदार है कहाँ? जो इसे खींचेगा मैं उसे पप्पी दूंगा। पप्पी? चलो ऑस्कर, चलो, मुझे पता है तुम्हें यही चाहिए। चलो और कोशिश करो। अब लेंगे छोटा रास्ता। जाओ अगली जगह, मेलो ब्रूक स्कूल। मुझे खा लिया होता तो अच्छा होता। आ जाओ, गिरना मत, आ जाओ, आइए। सब लोग तो आ गए हैं गंधर। तुम मुझे भूल रहे हो किक। ऐसा क्या? तुम मुझे अच्छे लगते हो। हम पहुंच गए। और वो है स्कूल छूटने की घंटी की आवाज। क्या? मैंने आज पाठशाला का पूरा दिन गवा दिया। अंधर, पते की बात। अब तक का सबसे अच्छा बर्फीला दिन। चिंपैंजी की मस्ती।
आ गया। एक मिनट में आया। ठीक है, जल्दी आओ। ओ, तो फिर से मुलाकात। क्या वो चला गया? स्वादिष्ट बनाना फ्लेवर। तो आइए देखें सबसे दर्दनाक दुर्घटनाएं। दर्द मनोरंजक हो सकता है क्योंकि सहने वाला कोई और होता है। हम एक खास खबर के लिए इस कार्यक्रम को रोक रहे हैं। ये खबर जू से आ रही है। एक चिंपैंजी अपने पिंजरे से भाग निकला है। मेरे चिंप, वो बस गायब हो गया। वो कहाँ गया होगा? कमाल है कि बंदर भाग गया और किसी को पता भी नहीं चला। ये तो मैं नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ ये केले के स्वाद वाला चॉकलेट आइसक्रीम सबसे अच्छा है, जो कि उसे भी पसंद है। ये तो टीवी पर दिखाया हुआ चिंप है। चलो इसे जू में भेजते हैं। ये तो बंदर है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से ये चिंप है। वन मनुष्य की पूंछ नहीं होती वो असल में, मगर है तो बंदर ही। ये देख, लगता तो बड़ा प्यारा सा है। तो जैसा इसका काम है वैसा ही नाम होना चाहिए, डॉक्टर गजब। डॉक्टर गजब काम करें अजब। चक्कर आ रहा है। ए कटर कट्टू, दो गंदे बदबूदार वन मानुष और एक बंदर। ये चिंपैंजी है अंकल, यानी बगैर पूछ वाला वन मानुष। चुप कर गटर गट्टू, इससे कहो आइसक्रीम वापस करे, नहीं तो बहुत बुरा होगा बंदर। डॉक्टर गजब की कहानी पे एक फिल्म बन जाएगी गंधर। रुको रुको रुको, कि क्या तुम इसे अपने साथ घर ले जाने की सोच रहे हो? मैं कभी सोचता नहीं गोलू मोलू, करता हूँ। तुमने कहा था कि किसी आवारा जानवर को घर ले जाने पर तुम्हें सजा मिलेगी, भूल गए? क्या? फिकर नहीं गंधर, एक तरकीब है। जब तक इसे केले और चॉकलेट की आइसक्रीम खिलाते रहेंगे किसी को पता नहीं चलेगा। एक बार सोच लो। सोच लिया है, चिम्स गजब होते हैं। हमें बस इसका थोड़ा सा मेकअप करना होगा। देखने का वही अंदाज, खड़े रहने का भी वही जाना माना तरीका। मैं तो आसपास भी नहीं। कहाँ थे तुम? क्या तुम्हारे पेट में कुछ गड़बड़ी है बच्चे? अब ठीक है। कमरे में जा रहा हूँ, तंग मत कीजिएगा मॉम। ठीक है, नहीं करूँगी। मतलब तुम चॉकलेट का वो बनाना खाने नहीं आओगे? ओके। आ आ आ, घर के नियम पता है ना? जब टीवी देख रहे हो तो बंदरों की तरह उछल कूद। वाह, दिन पे दिन लंबे होते जा रहे हो केक। ऊपर जा रहा हूँ। केक में खाने में मूली के पराठे खाए थे और इसलिए मैंने भी खाए। चलता हूँ। ये तो गोबर की बदबू है। ओ हाँ, याद आया, मुझे नहाना है। गंधर काम पूरा हो गया, हम इसे घर ले आए और मेरे पास एक पालतू बंदर है। अब लाइफ अजब और गजब। गंधर जा केले और चॉकलेट की आइसक्रीम ले। क्या वो डॉक्टर गजब के लिए थे? मैं तो सब चट कर गया। क्या बोला तू?
बंदर बड़ा कलंदर। जल्दी कलंदर कोई देख ना ले। का कमरा अब क्या होगा? कहाँ गया वो? मेरे कमरे में क्या कर रहा है गटर गट्टू? वो किसे छुपा कर रखा है? बाहर निकल यहाँ से। कौन है वहाँ? इसे यहाँ। मेरी आंखें जल रही हैं। जेम बहुत अच्छा लग रहा है। चल डॉक्टर गजब बाहर जा। ये तुमने कुछ कहा क्या? मैंने कहा डैड आपकी सेवा कर रहे हैं, कितने कमाल की बात है। सुनो ये सरासर गलत है, मेहमानी है। जरा ये शोर कम कर सकते हो? मुझे जाना है, बाय। केक, मैंने कहा था ना कि डैड के कप से पीना बना है। वो बाहर चला गया, अब हम क्या करें? कुछ तो सोचना पड़ेगा। भगोड़े चिम्स के बारे में ये रही ताज़ा खबर। ज़ू के दर्जनों चिम्स अपने पिंजरों से भाग निकले हैं। हो सकता है वे अपने नेता की खोज में गए हों। आप सावधान रहें, वे आप पर हमला भी कर सकते हैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। केक, उनकी टोली बढ़ रही है। जल्दी से कुछ करो, अब ये हमारे बस का नहीं है। इन बंदर को वापस चिड़ियाघर भेजना होगा, मगर कैसे? तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो, मुझे आइसक्रीम खाना है। आइडिया। ओके बाय। रुक जाओ आइसक्रीम वाले दोस्त, बस फेंकते जाओ। तोड़ फोड़ से भी ज्यादा इन्हें पसंद है केले और चॉकलेट की आइसक्रीम। चुप जा। देखो कमाल कर दिया, अब सारे के सारे बंदर अपने घर में खुश और सुरक्षित हैं। जहाँ तक घर की बात है, मैं घर नहीं जाऊंगा। तुम अकेले ही घर वालों और मोहल्ले वालों का सामना करो, क्योंकि चिम्स ने जो पूरे शहर में तोड़फोड़ की है उसकी जिम्मेदार तुम हो। तुम ठीक कहते हो, मैं घर नहीं जा सकता। कहाँ रुकूं, कहाँ जाऊं? और न जाने कैसे भगोड़े चिम्स अपने आप जू में आ गए हैं। एक अजीब बात देखने में आई, जू में दो इंसानी बच्चों को चिम्स की तरह पाला जा रहा है, क्या बात है? इंसानी बच्चों को कोई चिम्स की तरह कैसे पाल सकता है? ये लो तुम्हारा जूस। ओ,